पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्री शंकरानन्द गुरुपादं भुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सत्तावन नंबर श्रवण मनन निध्यासन। निध्यासन का परिपाक है समाधि। निध्यासन बार बार करने पर समाधि होती है, और समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति होती है, ध्याकार वृत्ति होती है। तो योग सूत्र में तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वहाँ पर कोई भी वृत्ति नहीं होती है, मन खाली इसमें। तो वेदांत के अनुसार मन को खाली करने का नाम समाधि नहीं है, ठीक है। तो समाधि अवस्था में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति होती है। अखंड ब्रह्माकार वृत्ति कहने से निर्विशेष ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति। मैं ध्यान कर रहा हूँ, ना ध्याता का ज्ञान ना ध्यान का, केवल ध्याकार वृत्ति। ध्येय है परब्रह्म, समझे ना। शास्त्र से जो आपने निश्चय किया, मनन से संशय को निवृत्त किया कि ब्रह्म तो अद्वितीय है, समझे ना। उसमें सारा जगत क्या है, मिथ्या है। जैसे घटपटादि भी चित्र है, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां जो कुछ भी दृश्यमान है ये सब क्या, मिथ्या है, ठीक है। मिथ्या पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। ये सर्पादि जैसे रज्जु से भिन्न नहीं, चित्रादि जैसे पर्दे से भिन्न नहीं। सारा संसार क्या है, चित्र है। क्या प्रमाण है, श्रुति कहती है सर्वम खलुइदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। शास्त्र से आपने निर्धारण किया, फिर मनन से उसको निश्चय किया, मिथ्यात्व का आपको निश्चय हो गया, इसलिए ब्रह्म अद्वैत है। ऐसा जो अद्वैत ब्रह्म, उसी को ही यदि चित्त विचार करे, ठीक है, उसको कहते हैं अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। तो समाधि काल में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति होती है। तो वहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति होती है कि हम कैसे जानेंगे, हैं। तो कहते हैं उस समय तो भान नहीं होता है कि मैं जो समाधि अवस्था में हूँ तो ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है, ऐसा भान तो नहीं होता है, है ना। फिर भी साक्षी से प्रकाशित तो होती है ब्रह्माकार वृत्ति, धर्म है ना। कैसे पता लगता है, जैसे सुषुप्ति में, सुषुप्ति काल में जो आपको भान नहीं होता है कि मैं गाढ़ नींद में सो रहा हूँ, ठीक है, उस समय। लेकिन उठने के बाद उसका स्मरण होता है, मैंने कुछ नहीं जाना, बड़े आराम से सो, ये संस्कार स्मरण है, ये स्मरण है। स्मरण तो उसी का होता है कि जो जो अनुभूत हुआ है उसका स्मरण होता है। यद यत स्मर्यते तत् तत् अनुभूतम पूर्वानुभूतम। यद यत स्मर्यते तत् तत् पूर्वानुभूतम। जिसका स्मरण होगा पहले उसका अनुभव हुआ हो, भान हुआ हो। जैसे उन्हें के बाद आपको स्मरण हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना,
इसका अनुभव हुआ है तो किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था। साक्षी से वह ज्ञान प्रकाशित तो हुआ था, उसका संस्कार था कारण में, वो चित्त में संस्कार आ गया, उठने के बाद स्मरण करता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, जैसे होता है सुषुप्ति काल में। इसी प्रकार समाधि काल में भी वो जो ब्रह्मा का वृत्ति है थी, ब्रह्मा को विषय करने वाली वृत्ति थी, उसका अनुभव हुआ था, इसलिए मानना पड़ेगा। क्योंकि उठने के बाद बोलता कि इतने समय तक मैं समाधि में रहा, वास्तव में ऐसा है। अब विचार ये है 57 नंबर में, उसमें तो कोई प्रयास ही नहीं होता है समाधि काल में, है? उसमें तो कोई प्रयास चेष्टा ही नहीं होती है। तो प्रयास जब नहीं है समाधि अवस्था में, तो वृत्ति का अनुवर्तन, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव कैसे होगा? कोई चेष्टा होनी चाहिए ना, ठीक है? और यदि आप प्रभाव चेष्टा को मानेंगे तो मन में चेष्टा होगी, तो मन में चेष्टा जब होगी तो विक्षेप हो जाएगा मन में, जब मन में जब विक्षेप हो जाएगा तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा समाधि अवस्था में? फिर उठने के बाद तो बोलता है बड़ा आराम से सोया, बजने दो, बड़े आराम से सोया, हाँ बहुत अच्छा लगा, समाधि से उठने का बोलते कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि मन में कोई चेष्टा तो नहीं, प्रयत्न तो नहीं है, ठीक है? बोले प्रयत्न फिर अविद्या में कहेंगे, तो अविद्या में जो कहोगे तो सुषुप्ति और फिर समाधि में कोई अंतर नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन सुषुप्ति में और समाधि में तो अंतर है वहाँ पर, है ना? हाँ, तो वहाँ पर तो है जो है अविद्या में ही केवल परिणाम होता है, समझे? वहाँ पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यहाँ तक प्रयास से समाधि में जाना पड़ता है, दोनों मंत्र है ना, ठीक है? इसलिए व्यापार फिर किसका हो रहा है, चेष्टा किसकी हो रही है? बिना चेष्टा से तो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव नहीं होगा, ये शंका थी, ठीक है? इसका समाधान बड़ा सुंदर कर रहे हैं। पहले जो समाधि का अभ्यास किया है ना, पहले जो समाधि का अभ्यास किया है उस प्राथमिक प्रयत्न से, ठीक है, बार बार जो निध्यासन का अभ्यास किया है उस अभ्यास के बल पर ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह हो जाता है, सुन में ना, ठीक है? और उनमें सहकारी कारण कौन है? अदृष्ट, पुण्य। क्या है? पुण्य। पुण्य होता है सहकारी कारण, सुन में, ये पुण्य को मानना पड़ेगा, ठीक है? और एक बताया, हाँ हाँ हाँ, अपूर्व कहते हैं, अदृष्ट हो गया, अपूर्व और संस्कार, समाधि जन्य जो संस्कार है ले लो, जितना समाधि का अभ्यास करोगे उतना संस्कार पड़ेगा, और संस्कार ही वो हैं ब्रह्माकार वृत्ति के प्रभाव को चालू कर देगा। जैसे आपका संस्कार है, अभ्यास है, संस्कार हो गया, रोज पढ़ रहे हो शिव मेमना सूत्र का पाठ, ठीक है? नहीं तो संस्कार जब मन में होता है बार बार जितना बढ़ेगा, फिर आपका मन कहीं चला गया, हर की पड़ी आपकी वाणी बस धड़ाधड़ बोलती जाती है सी मन में, एक ऐसे वो संस्कार वो संस्कार से ही प्रभाव चलता रहता है, समझ में कि नहीं? ऐसा होता है। इस वजह शरीर अस्वस्थ होने पर भी आपने जो साधना का अभ्यास किया है तदजन्य जो संस्कार है वो संस्कार ही आए ये शरीर में कराता जाएगा, समझ में ना? शक्ति ना होने पर भी, शरीर में शक्ति रोग आदि के कारण शक्ति ना होने पर भी ये पूर्वज संस्कार है, वो संस्कार से वो क्रिया होती जाती है, व्यवहार में देखते कि नहीं? ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार समाधि में भी ऐसा हो जाएगा, ये बोल रहे। तो पूर्व में होने वाला अदृष्ट है, किसी भी जन्म का हो, केवल एक जन्म का नहीं, और संस्कार है समाधि का अज्ञातजन्य संस्कार है, ये हो गया सहकारी कारण। इससे युक्त पूर्व प्रयत्न से, चेष्टा से है समाधि अवस्था में है, उसमें चेष्टा न होने पर भी पूर्व प्रयत्न से
ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव समाधि अवस्था में हो सकता है ना, ये टीकाकार ने कह दिया। हाँ अब लगाओ टीका में, ननु तदानी मतलब समाधि अवस्था में, 57 नंबर पढ़ रहे हैं, वृत्ति उत्पादक प्रयत्न अभाव, ये पूर्व पक्षी है, वृत्ति ने ब्रह्माकार वृत्ति केवल ब्रह्मों को विषय करने वाले वृत्ति, वृत्ति से ठीक है ना, ध्याता ध्यान को नहीं, केवल ब्रह्मों को विषय करने वाले वृत्ति, उस वृत्ति का उत्पादक उत्पन्न करने वाला प्रयत्न तो नहीं है भाई समाधि काल में, फिर कथम वृत्ति अनुवृत्ति, वृत्ति का अनुवृत्ति बोला वृत्ति का अनुगम, वृत्ति का अनुगम ठीक है, प्रभाव कैसे होगा, नहीं होना चाहिए, इति आशंक्य ऐसी आशंका करके तात्कालिक प्रयत्न अभावे अपि उत्तर दिया जा रहा है। तात्कालिक मतलब समाधि काल, समाधि काल में तो प्रयत्न नहीं है, चेष्टा नहीं है, सुनते हैं ना, चेष्टा न होने पर भी प्राथमिकात एव, प्राथमिका कहने से क्या हुआ, समाधि में आने से पहले जो प्रयत्न किया था बार 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 प्रयत्न करना पड़ता है तब जाकर समाधि थोड़ी सी लगती है एकाएक समाधि लगती नहीं है। आ गया भाई, बहुत सुंदर लाइट आ गया, 4 बजे से लाइट नहीं था है? चलो भैया, तो कहते हैं प्राथमिकात एव मतलब पूर्व प्रयत्न से है, प्राथमिकात एव प्रयत्न समाधि से पूर्व प्रयत्न से ठीक है ना, समाधि के पूर्व प्रयत्न से, और प्रयत्न के सहकारी कारण है अदृष्टादि सहकारी, अदृष्ट हो गया पुण्य, कौन सा पुण्य बताएंगे अभी है, और आदि से लेंगे संस्कार ले लो, बार बार अभ्यास जो किया है ना, समाधि का अभ्यास किया है, निध्यासन का अभ्यास किया है ना, वो हो गया सहकारी कारण, दो सहकारी, एक अदृष्ट पुण्य है ना, और शुक्ल कृष्ण और संस्कार, ये दोनों मानना पड़ेगा ठीक है, और भी ले लो, मोक्ष की तीव्र इच्छा, ये तो उपलक्षण है, मोक्ष की तीव्र इच्छा, ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, समझे, संसार के प्रति कोई कामना नहीं, संसार के प्रति कोई कामना नहीं, कोई प्रमाद नहीं, इसे भी चल ले लो, प्रमादि का अभाव, प्रमाद का अभाव, कामना का अभाव, तीव्र इच्छा ठीक है, मुमुक्षा, ये सब ले लो, और ईश्वर का अनुग्रह, ये सबसे बड़ा है, ईश्वर का अनुग्रह होता है, ईश्वर है प्रणिधानाद दूसरे दिन पढ़ते हैं, ईश्वर प्रणिधान है ना, ईश्वर के शरणापन्न होने पर भी समाधि लग जाती है, वो भी सहकारी कारण होता है, समझ में ना, ऐसा होता है, ये सब आदि से भी ले लो, अदृष्टादि सहकारी सहितात, सहितकार युक्त है ना, तो अंगी कौन, अंगी हो गया पूर्व का प्रयत्न, ये अंगी हो गया, और अंग सहकारी के रूप से अंग हो गए अदृष्ट संस्कार, ये सब ले लो ठीक है ना, तीव्र मुमुक्षा है ना, ये सो ले लो, इससे समाधि हो जाएगी, कोई आपत्ति ठीक है। श्लोक पढ़ते हैं, वृत्ति नामानुवृत्तिस्तु, वृत्ति नामानुवृत्तिस्तु, प्रयत्नात् प्रथमात् अपि अदृष्टा सकृदाभ्यास, अदृष्टा सकृदाभ्यास, नहीं बोलना अदृष्टा सकृत अभ्यास, नहीं बोलना अदृष्टा सकृत अभ्यास, संस्कार सचिवाद भवेत, संस्कार सचिवाद भवेत, बोलो भी प्रयत्न
कहते हैं कि प्रथमात् अपि प्रयत्नात्, पहले जो प्रयत्न किया है समाधि में आने से, पहले जो प्रयत्न किया है, बार बार प्रयत्न किया है, ठीक है, बहुत बार प्रयत्न करना पड़ता है। साइकिल सीखना हो तो बार बार प्रयत्न करना होता है कभी गिर भी जाएगा, कभी हैं खूब गिरते हैं, बोल रहे हैं पाठक जी, बहुत गिरना पड़ता है इसमें। अगर समाधि के लिए भी बहुत गिरना पड़ता है, चंचल अभी मना कृष्ण, कहा कि नहीं, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे निग्रह करेंगे, ये है ना, ऐसे कहा इन्हें अभ्यास इन्हें कौनते हैं, वैराग्य न चाह तब गिर, पहले वैराग्य होना चाहिए फिर उसका अभ्यास करो। पहले क्या होना चाहिए, पहले वैराग्य होना चाहिए कि पहले अभ्यास होना चाहिए? वैराग्य न हो तो क्या अभ्यास करोगे? अभ्यास संसार की कामना भी है और समाधि का हम अभ्यास कर रहे हैं, कहाँ से समाधि होगी? हाँ, जब मन लगाते जाओगे तो झट से मन चला जाएगा बाहर है कि नहीं, इसलिए पहले क्या करो, पहले वैराग्य, संसार से पहले वैराग्य होना चाहिए, है सुन में, ऐसा होता है इसलिए वैराग्य खूब जोर दिया जाता है। वैराग्य के ना सब व्यर्थ होते हैं, वैराग्य के बिना, वैराग्य के साथ मोक्षा क्या होनी चाहिए, हाँ हमारा लक्ष्य जो है ना मोक्ष लक्ष्य हो। कभी वैराग्य तो होता है, वैराग्य तो होता है, लेकिन मुझे वैराग्यवान लोग बोले, ऐसा भी होता है क्या संसार में, मुझे लोग विरक्त बने, हाँ इसलिए मैं मुझे सब छोड़ दिया सब, ऐसा वो वास्तविक वैराग्य नहीं है, ऐसा वैराग्य नहीं लेना मोक्ष क्या है, मोक्ष पूर्वक वैराग्य हो, मुमुक्षा पूर्वक वैराग्य हो, जान में कि नहीं, इसलिए वैराग्य हो तो मुमुक्षा भी होनी चाहिए ना, ऐसा होता है, नहीं तो सब सम दम तितिक्षा सब बेकार हो जाते हैं, अष्टांग योग सब बेकार हो जाते हैं, यदि मोक्ष तीव्र मुमुक्षा नहीं है, संसार के प्रति वैराग्य नहीं है तो सब व्यर्थ। यहाँ पर कहेंगे, देखो टीका में कहेंगे, टीका में है ना, तो प्रथमात भी प्रयत्न, समाधि से पहले जो आपने प्रयत्न किया है उस प्रयत्न से भी, अच्छा कैसा प्रयत्न है, नीचे दिया है, अदृष्ट अशक्त अभ्यास संस्कार सचिवात्, ये विशेषण हो गया प्रयत्नात् का, ठीक है, पहले जो आपने प्रयत्न कर रहे हो ना उस प्रयत्न से समाधि में वृद्धि होगी, लेकिन कैसा प्रयत्न, अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात्, सचिव बोलते जानते हैं, सेक्रेटरी बोले सहकारी, सचिव का होता है सहकारी, ठीक है, इसलिए ईश्वर के सहकारी कौन है, माया, ईश्वर के सहकारी क्या है, माया है ना, चलो तो इसी प्रकार भी आपके प्रयत्न का सहकारी सेक्रेटरी कौन है, बोले अदृष्ट, अदृष्ट क्या है, अदृष्ट पुण्य, मोक्ष के लिए किया गया कर्म, उपासना, अष्टांग योग, गुरु की सेवा, ये सबसे होने वाला अदृष्ट होता है, अदृष्ट और असक्त अभ्यास संस्कार, बार बार जो आपने अभ्यास किया है, सकृत का मतलब है एक बार और असकृत का अर्थ बार बार, बार बार अभ्यास से क्या होता है, संस्कार होता है, क्या होता है, संस्कार होता है, ठीक है, जैसे बार बार आप साइकिल चलाने का अभ्यास कर रहे हो, हाँ धीरे धीरे उसका संस्कार हो जाएगा, है कि नहीं, संस्कार हो जाएगा, फिर जो है पैडल मारते हो ना, पैडल हाँ पैडल मार दिया फिर आगे पे छोड़ देते हो थोड़ी देर, तो छोड़ने पर भी जाता है कि नहीं, कि साइकिल ठप हो जाता है, हाँ पैडल ना मारने पर भी जो साइकिल आगे चलता है उसका कारण कौन है, उसमें तो कोई प्रयत्न नहीं हो रहा, केवल केवल बैठा है बस हैंडल सीधा करके, और कोई तो प्रयत्न नहीं है, फिर कैसे हुआ, साइकिल कैसे चल रही है, उसका कारण हो गया पूर्व प्रयत्न,
क्या है? पूरा। आप पूरा प्रयत्न से युक्त अब हो गया वेग, क्या हो गया? वेग। क्या है? वेग भी ले लो। हाँ, और उसका अदृष्ट भी होगा, मैंने साइकिल चलाना भी क्या अदृष्ट भी। अब उसको यदि गिरना है, क्या है उसको गिरना है तो मन कहीं चला गया मान लो, है कि नहीं, फिर हाथ इधर उधर हो जाए, गिर जाएगा वो। ये भी होता है, पुण्य तो सब जगह पर होता है, पुण्य के बिना कुछ नहीं होता है धर्म, है ना, ऐसा कि नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए समाधि में बैठे हो और काम आपकी कामना जग गई, प्रतिबंध आ गया, क्या प्रतिबंध आ गया, तब फिर जो समाधि टूट जाएगी, उसमें भी पुण्य होता है, समझे ना, ये होता है। चलो, है ना, अदृष्ट अशक्तित, मतलब बार बार अभ्यास से होने वाला ये संस्कार है, ये दोनों हो गए सचिव, ये क्या हो गए? सचिव। उपलक्षण ले लो, ईश्वर का अनुग्रह आदि सब ले लो, उससे भवे क्या होते हैं, बोलते हैं वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु भवेत, ऐसा अनुभव है। वृत्तियों की जो अनुवृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्तियों की अनुवृत्ति मतलब अनुगम, वैसे ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह समाधि अवस्था में होता है, धन्यवाद, है ना। अच्छा, हम लोग टीका देखें, टीका में कर लेते हैं। ध्येय का गोचरणाम वृत्ति नाम, वृत्तियों की अनुवृत्ति, वृत्ति नाम अनुवृत्ति का ना श्लोक में, कौन सी वृत्ति है भाई? ध्येय का गोचरणाम, केवल ध्येय मतलब ब्रह्म, केवल ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति, केवल ब्रह्म का ही भान हो, ये तात्पर्य हो, मैं ध्यान कर रहा हूँ इसका नहीं, स्वयं का भान नहीं, केवल ब्रह्म का भान है ना। तो ध्येय का गोचराणाम वृत्ति नाम अनुवृत्ति, अनुवृत्ति क्या जानते हैं? प्रवाह रूपेण अनुवृत्ति, प्रवाह के रूप से चलना, बस प्रवाह के रूप से चलना, जैसे तेल आपने ऐसे डाल दिया है कि नहीं, तेल का जब प्रवाह चलता है बस, बीच में रुकता नहीं, बीच में रुकता नहीं, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह ही चलता रहे, मतलब बीच में और कोई वृत्ति ना हो, इसको कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति की अनुवृत्ति, मतलब प्रवाह के रूप से चलना, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं भाई? प्रथमात अपि प्रयत्न, मतलब क्या है? समाधि पूर्व कालीनात, समाधि के पूर्व काल में जो प्रयत्न किया है, साइकिल आगे दौड़ने से पहले जो प्रयत्न किया, पैडल घुमाया कि नहीं पैडल घुमाया ना, ये प्रयत्न हुआ ना, है ना समझ, तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा, तुम तो रोज़ साइकिल चलाते हो, हाँ साइकिल पैडल ऐसे घुमाया फिर छोड़ दिया, थोड़ी दिया चलता रहता है, इसी पे गर्व होता है। हैं अदृष्टम, ये देखो कल से चल रहा है ये प्रसंग, अदृष्टम भाई, अदृष्ट क्या है? अदृष्ट तो पुण्य है, लेकिन कैसा पुण्य है? अशुक्ल कृष्ण कर्माख्यो यह पुण्य विशेष है, देखो अशुक्ल कृष्ण कर्माख्यो, आख्यल नाम, अशुक्ल कृष्ण नामक जो कर्म होता है, ठीक है, वो होता है पुण्य विशेष, है ना, क्या है? पुण्य, है ना। कैसा पुण्य? बोलते पुण्य भी कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता, पुण्य भी तीन प्रकार का, कितने प्रकार का? तीन प्रकार का, तीन प्रकार का पुण्य ले, पाप तो एक ही प्रकार का, मैं सीधी बात है, पाप तो एक ही प्रकार का, ठीक है, अथवा दो प्रकार का भी ले सकते हो, क्या है? पाप दो प्रकार का है और पुण्य तीन प्रकार, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो कैसे, कुल मिलाकर कर्म जो है ना, कुल मिलाकर कर्म लेंगे तो चार हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। कैसे? देखो अशुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेशाम, बोलो इसको याद करना, कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनः, बोलो
त्रिविधाम इतरेशाम, ये एक ही सूत्र हुआ, योग सूत्र है। महर्षि पतंजलि ने लिखा भी है, बड़ा सुंदर लिखा है। इसके ऊपर तो खूब विचार किया है भगवान व्यास ने, भाष्य लिखा पतंजलि सूत्र के ऊपर, भाष्य लिखा। और इसके ऊपर वाचस्पति मिश्रण टीका लिखा, बहुत सुंदर विचार किया, बहुत सुंदर। कहते हैं योगी, योगी जो होता है, योगी कहने से यहाँ पर मुमुक्षु है, योगी कहने से यहाँ पर क्या लेना, मुमुक्षु है ना, जो केवल मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है, अष्टांग योग का अभ्यास करता है, ठीक है। उनके द्वारा कौन सा कर्म बोलते हैं, अशुक्ल कृष्णम कर्म, कौन सा कर्म, अशुक्लम कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण कर्म है ना, वो कौन करेगा, योगी ना, योगी के लिए भी होता है, मतलब मुमुक्ष जो केवल मोक्ष के लिए ही करता है ना, इले योगिना कर्म कुर्वन्ती संज्ञम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, देखो कहा ना, योगिना कर्म कुर्वन्ती, योगी लोग कर्म करते हैं, योगी भी कर्म करता है, ठीक है, क्यों करते हैं, आत्मशुद्ध है, आत्मा की भी शुद्धि होती क्या, आत्मा की शुद्धि होती है, नहीं होती है, है कि नहीं, हाँ, अत्यंत मलिनो देह, हाँ अत्यंत मलिनो देह, देह चात्यंत निर्मला श्रुति कहती है, ये देह तो अत्यंत कैसा है, मलिन है, हैं अत्यंत क्या है, मलिन होता है, सुनते हो, देह कहने से चित्त भी हो गया, और आत्मा तो, आत्मा तो अत्यंत निर्मल, आत्मा तो अत्यंत निर्मल, उसको क्या शुद्ध करना, ठीक है ना। यद्यपि चित्त भी कभी शुद्ध नहीं होता है, केवल शुद्धि की बुद्धि की जाती है, क्या है, शुद्धि की बुद्धि की जाती है, कैसे करेंगे, शास्त्र से, शास्त्रीय दृष्टि से जब हम करेंगे ना, तो चित्त की शुद्धि की हमारी बुद्धि हो जाती है, ऐसी भावना हो जाती है, क्या है, क्या है, भावना हो जाती है, सुनते हो, जैसे मान लीजिए स्वप्न में, क्या है, स्वप्न में, ठीक है ना, आप तो सोए हो, हाँ स्वप्न में क्या है कि जो है कोरोना हो गया आपको, कोरोना का चल रहा है ना, कोरोना हो गया, क्या हो गया, स्वप्न में कोरोना हो गया, कोरोना, हाँ डॉक्टर आ गए भाई, डॉक्टर के पास गए, मान लो मुश्किल से जो है ना जांच हो गई, और कोरोना की दवाई दे दिया, क्या है, कोरोना की दवाई दे दिया, ठीक है ना, तो कोरोना की दवाई दे दिया, हाँ तो जो है वो खा लो और ठीक हो जाओगे, तो ठीक हो गया, बोलो क्या ठीक हो गया, क्या, तो चित्त जैसा है ऐसा ही है, हाँ कोरोना होने से पहले भी चित्त तो त्रिगुणात्मक है ही, वो सुनते हो, क्या है, त्रिगुणात्मक तो है ही, और जो कोरोना के दवाई खाने पर भी वो जैसा है ऐसा ही होता है, कोई अंतर नहीं होता है, सुनते हो, हाँ। अथवा दूसरा दृष्टांत भी देते हैं, दूसरा दृष्टांत भी देते हैं, हाँ। जैसे मान लीजिए गधा है ना, गधा, हाँ गधा है आप लोग जानते हो मैं क्या कहानी को तो गधा क्या, उसको रोज बांधते हैं ना, बांधते हैं रस्सी से, तो एक दिन नहीं बांधा हो क्या, एक दिन नहीं बांधा अभी, हाँ तो नहीं बांधा, और उसको जो है ले रहा है काम करने के लिए, और डंडा ही मार रहा है तब भी वो गधा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि वो मान लिया ना, क्या मान लिया, कि मैं गधा हूँ, ठीक है, तो फिर जो है वो बहुत कोशिश किया, और दूसरा आदमी कोई सौंद देख लिए, हाँ तो बोले क्या बात है भी, बोले ये गधा तो नहीं जा रहा है, हाँ क्यों नहीं जा रहा है, हाँ पता नहीं, तो महापुरुष समझ गए कि आज इसको तुम बांधते थे क्या, हाँ वहाँ आज नहीं बांधे हो, इसको खोल दो, बोले वो बांधा नहीं तो खोलेंगे कैसे, अरे खोलने के बस ऐसी है ना, लीला खोल लो बस, हाँ जैसे खोलते हो ना इसी प्रकार जो है ना चित्त त्रिगुणात्मक तो है ही पहले से, क्या समझा,
चित्त तो स्वरूप से त्रिगुणात्मक है ही, सात्विक है ही चित्त स्वरूप से, सुनते हो, सत्वगुण की प्रधानता तो है ही, ठीक है। लेकिन क्या है, अपने को मान लिया कि मैं मलिन हो गया हूँ, क्या हो, मैं मलिन हो गया हूँ, सुनते हो, व्यावहारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, ठीक है। शास्त्र कहता है कि तुम जो है उपाय कर लो, गुरु की सेवा कर लो, है कि नहीं, संत के पास रह लो, मोक्ष के लिए तुम जो अनुष्ठान करो, ठीक है ना। तो फिर एक शास्त्रीय दृष्टि से शास्त्र में जब हम श्रद्धा रखते हैं तो हमको लगता है कि क्या, चित्त शुद्ध हो गया, व्यावहारिक दृष्टि से, है ना। इसलिए चित्त जो शुद्ध हो गया तो ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाएगी, कोई आपत्ति नहीं होती है ना, इसी प्रकार से होता है ना। चलो, इसलिए कहते हैं कि योगी के कर्म तीन प्रकार के होते हैं, है ना। ये प्रसंग क्यों आया, हैं, शुद्धि का प्रसंग आया, किसका प्रसंग, शुद्धि, ठीक है। कहा कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, अद्वैतवादी लोग आत्मा का अर्थ परम जो है जीव को लेंगे, क्या है, आत्मा का अर्थ चेतन को लेंगे, लेंगे भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, आत्मा की कभी शुद्धि नहीं होती है, अंतकरण की शुद्धि की जाती है, वो भी शास्त्रीय दृष्टि से, क्या है, शास्त्रीय दृष्टि से आप कर्म करोगे तो अंतकरण की शुद्धि होती है, आत्मा का अर्थ अंतकरण, क्यों, ज्ञान होता है अंतकरण में, आत्मा में ज्ञान नहीं होता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान को निवृत्त करने वाला ज्ञान होता है अंतकरण में, कहाँ पर, यह ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण में होती है, ठीक है। इसलिए जिसमें अंतकरण ब्रह्माकार वृत्ति होती है उसको शास्त्रीय दृष्टि से पहले आपको क्या करना होगा, शुद्ध करना, ठीक है भाई, ये कह रहे हैं। लेकिन कौन करेगा, बोलते हैं योगी ना, योगी करेगा, कौन सा कर्म, अशुक्ल कृष्णम कर्म, और बाकी जो आगे तीन कर्म है वो जो मुमुक्षु नहीं है, संसार के जो ऐसणा है जिसके, है ना, संसार के वैसे को सुख पाना चाहता है, सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, वो तीन प्रकार कर्म करता है, ठीक है। देखो क्या है, त्रिविधम इतिरेशम कहने से शुक्ल, हाँ शुक्ल कृष्ण और कृष्ण, लिखो, नहीं है यहाँ पर, आप लोग लिख लो, बड़ा सुंदर विचार किया योग सूत्र में, शुक्ल शुक्ल, पहला नाम रहेगा शुक्ल, दूसरा होता है कृष्ण, दूसरा होता है कृष्ण, है ना, तीसरा होता है शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, ये कर्म कौन करेगा, जो योगी नहीं है, मुमुक्षु नहीं है, वो करेगा, पहले शुक्ल हो गया, शुक्ल, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है शुक्ल कृष्णा, है ना भाई, तीन प्रकार का कर्म। शुक्ल का अर्थ जो केवल पुण्य पुण्य हो, केवल पुण्य पुण्य हो, है ना, जैसे ब्रह्मलोक कोई जाता है, हाँ, अथवा केवल नाम का जप कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, नाम का जप कर रहा है, मोक्ष के लिए करता है तो कोई आपत्ति नहीं, है ना, हाँ, मोक्ष के लिए करता है तो वो अशुक्ल कृष्ण हो गया। लेकिन जो मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है, नाम का जप तो कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, यहाँ पर पुण्य ही पुण्य होगा, लेकिन यहाँ पर कामना है भैया, क्या है, कामना है, हमको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, है ना, तो उस दृष्टि से, है तो संसार की तो प्राप्ति और क्या है, स्वर्ग आदि क्या है, संसार है, लेकिन हमको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, इसी के लिए जो भगवान नाम का जप कर रहा है वो हो जाएगा शुक्ल, क्या होगा, शुक्ल होगा, सुनते हैं ना। लेकिन मान लीजिए जाग आदि कर रहा है भैया, जाग कर्म कर रहा है, और दूसरे से हिंसा भी कर रहा है, क्या है, हिंसा भी कर रहा है, दूसरे को कष्ट दे रहा है, भगवान नाम का जप करोगे तो किसी को कोई कष्ट नहीं है, भगवान की पूजा कर रहे हो,
हाँ ये तो पुण्य ही पुण्य होगा, लेकिन दूसरे का कष्ट देकर कर रहे हो, पुण्य तो होगा क्योंकि नाम की महिमा है, पुण्य तो होगा लेकिन साथ ही साथ पाप भी होगा। क्या होगा? पाप भी होगा। ब्राह्मण को कष्ट दे करके पूजा करा रहे हो, अब ब्राह्मण की मजबूरी है तो करना ही तो पड़ेगा, नहीं तो दोबारा हमको नहीं बोलेगा, मजबूरी से करना पड़ता है, दुखी होकर करना पड़ता है। तो ब्राह्मण को दुखी करके आप कराओगे, पुण्य तो होगा तो नाम की महिमा है, अनुष्ठान की महिमा है, शास्त्रीय कर्म है, लेकिन साथ ही साथ पाप भी होगा। क्या होगा? हाँ तो शुक्ल हुआ कृष्ण भी हो गया, इसको कहते शुक्ल कृष्ण, आया समझ में? लेकिन अशास्त्रीय कर्म करता है तो पाप ही पाप होगा बस, है ना? क्या होगा? पाप ही पाप होगा, अशास्त्रीय कर्म करता है, ठीक है ना? हाँ ऐसा होता है, अशास्त्रीय कर्म करता है तो पाप केवल। ये सूरापान हो गया, सूरा तीनों काल में कभी भी नहीं पीना चाहिए, हैं? तो क्या होगा? पाप होगा ही, क्या होगा? पाप तो होगा, ठीक है ना? चलो, तो लेकिन जो केवल मोक्ष के लिए करता है वो भी शास्त्रीय दृष्टि से, है ना, उसको बोलते हैं अशुक्ल कृष्ण, है कि नहीं? ना स्वर्गोलोक जाएगा, ना ब्रह्मोलोक जाएगा, ना इस संसार में वैसे को सुख के लिए, केवल मोक्ष के लिए करता है। वैराग्य को प्राप्त करके जो केवल मोक्ष के लिए करता है उसको, उसका जो कर्म है उसको बोलते हैं अशुक्ल कृष्णा, है ना? इसलिए योगी का चित्त कैसा होता है वो लिखते हैं वाचस्पति मिश्र, अक्षी पात्र कल्प, क्या है? अक्षी पात्र कल्प। साधक का चित्त, मोक्ष का चित्त, मुमुक्षु का चित्त कैसा होता है? अक्षी पात्र कल्प। जानते हैं अक्षी पात्र कल्प क्या? नहीं, देखो जैसे विचार करो, मकड़ी का जाला अथवा कंकण शरीर के अन्य भाग में आँख चक्षु, चक्षु से अतिरिक्त किसी अंग में गिर गया, कोई कष्ट नहीं होता, सही बात है? कंकण में गिर गया तो कोई खास कष्ट नहीं होता, लेकिन आपके चक्षु में कंकण तो बहुत दूर की बात, मकड़ी का जाला भी लग गया, एक धूलिकण भी लग गया, बड़ा कष्ट होता है, होता कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार साधक का, वास्तविक जो साधक हो, मुमुक्षु, है ना, तो मुमुक्षु का चित्त अत्यंत शुद्ध होता है, अत्यंत शुद्ध होता है। इसलिए संसार से थोड़ा सा भी कहीं दुख हुआ, संसार से थोड़ा सा भी दुख हुआ तो उनको सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता मतलब क्या है? ये दुख हुआ है, इसका कारण क्या है, क्यों दुख हुआ, वो खोज करता है। तो खोज करेगा तो उनको निश्चय हो जाएगा, अरे सारा संसार तो दुख रूप ही है बस, अभी तो कहाँ किसी को सुख हुआ है, ये सारे संसार में उनको दुख ही दुख दिखाई देगा। किसको? यदि मुमुक्षु यदि हो, हाँ मुमुक्षु यदि हो तो कहीं सुख दिखता हो तो समझ लो कि मुमुक्षु नहीं हो, ये पूरे संसार में उनको दुख ही दिखाई देता है। बात समझे? इसलिए तीन प्रकार दुख कहा योग सूत्र में, हाँ परिणाम पहले ही बताया हो, परिणाम ताप संस्कार दुख ही सर्वम दुखम विवेकिनः, है कि नहीं? ऐसा लिखते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे सर्वम दुखम विवेकिनः। जो विवेकी है, जिसकी जिस साधक के चित्त में विवेक उत्पन्न हो गया, उनको सारा संसार में तीन प्रकार दुख दिखाई देगा। तीन प्रकार दुख क्या जानते हैं? परिणाम ताप संस्कार। जब तक आपको दुख नहीं दिखाई देगा वैराग्य होगा ही नहीं, वैराग्य, वैराग्य होना चाहिए बोले थोड़ी होता है। तीन प्रकार दुख देखो, परिणाम ताप और संस्कार, ठीक है?
लिख दिया आपने। परिणाम दुख क्या है? परिणाम दुख ये होता है, जैसे लड्डू खा रहे हो भाई, बड़ा सुख तो मिलता है, सुख का आभास हो रहा है, लेकिन उससे क्या होगा? दुख होगा। क्या होगा? देखो उसका परिणाम तो दुख ही, सुख दुख का कारण होता है, सुख दुख का जो दुख का कारण हो तो सुख कहाँ होगा फिर? ये सुख का आभास है, वो सुख नहीं है वो। लेकिन जैसे जल दिखता है, रेगिस्तान में जल दिखता है, हाँ आपको सुख तो मिलता है, अरे कितना सुंदर जल है, पास में जाएंगे तो हाँ दुख ही होता है, अरे ये तो भ्रांति है, इतना प्रयास किया दौड़ करके गए, है कि नहीं? लड्डू खाते हैं लगता है कि हमको बड़ा सुख है, सुख नहीं है, दुख का हेतु है वो। फिर नैया के लोग सुख को भी दुख में कोटी में डाला, एक विंशति दुखधंसः मोक्षः, एक विंशति दुखधंसः मोक्षः, इक्कीस प्रकार के दुख के निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं नैया के लोग। अत्यंत हाँ विमोक्षो अपवर्ग, महर्षि गौतम लिखते अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग है ना। अत्यंत विमोक्ष मतलब क्या? 21 प्रकार के दुख के निवृत्ति है मोक्ष। 21 प्रकार दुख क्या है तो महर्षि गौतम लिखते, उसको भी समझ लो, ये वैराग्य होना इतना आसान नहीं है। लोग वैराग्य का बखान करके बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, तो वैराग्य कहाँ है? व्याख्यान करने मात्र से वैराग्य नहीं होता है, वैराग्य का हेतु होने से वैराग्य होगा। क्या है? वैराग्य का हेतु यदि चित्त में हो तो तब वैराग्य होगा, व्याख्यान हेतु नहीं है, है ना? तो समझ लो, तो वैराग्य का हेतु क्या है? बोलते दुख का दर्शन, दुख का दर्शन। तो महर्षि गौतम कहते हैं कि ये 21 प्रकार का दुख होता है, कितने प्रकार का? 21 प्रकार का दुख होता है ना। तो 21 प्रकार का दुख क्या है? देखो वो कहते हैं इंद्रिया छः, इंद्रिया छः, मन के साथ चक्षुरादि 5 और मन, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय 5 और मन कितने हुए? 6 हुए। कर्मेंद्रिय को नए लोग नहीं मानते, 6 इंद्रिय का विषय, चक्षु का विषय जो रूप है, रस इंद्रिय विषय का रस है, 6 इंद्रियों का विषय गिनते जाओ, ठीक है भाई, और 6 विषयों का ज्ञान, रूप का ज्ञान है ना। रूप होने से दुख नहीं होता, रूप का ज्ञान हो तो दुख होगा। क्या? हाँ साड़ी बहुत सुंदर दिख रही है, साड़ी दिखने मात्र से दुख नहीं होगा, हाँ सुंदर का ज्ञान आपको होना चाहिए, रूप का ज्ञान होना चाहिए, हाँ हमको भी एक साड़ी चाहिए, पैसा नहीं है तो चुरा कर लाओ कहीं से भी लाओ, है कि नहीं? तो दुख हुआ ना। हाँ देखो कितना हुए, 6 6 6 18 हो गए। हाँ शरीर क्या है? शरीर कितने हुए? 19। दुख, दुख तो दुख ही, और सुख अंत में क्या है? सुख। ये सुख भी दुख ही है, इसका मतलब सुख सुख नहीं है, दुख का आभास है वो, सुनते भाई। चलो तो ये कहते हैं विषय के सुख का परिणाम क्या है? दुख है, उसको बोलते हैं परिणाम दुख, हो गया नारायण। उसके बाद ताप दुख, ताप दुख, ताप दुख क्या है? उसको अपने जीवन में घटाओ तब समझ में आएगा, नहीं तो कॉपी में रह जाएगा। जैसे ताप दुख होता है, जिस समय आप लड्डू खा रहे हो, आप कहीं गए हो, अनुभव में लो, निमंत्रण में गए हो, कहीं गए हो, मान लीजिए आपको 2 लड्डू मिला, क्या है? 2 लड्डू मिला, हाँ आप खा रहे हो, अच्छा लग रहा है, हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन बगल वाले को 3 लड्डू मिल गया, कितने? 3 लड्डू मिल गया, जिसमें लड्डू खा रहे हो सुख तो मिल रहा है, लेकिन दूसरे को देख करके दुख भी हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है,
आपको दो लड्डू मिला और उनको भी दो लड्डू मिला, लेकिन जो मिला है ना आपसे छोटा है वो, हाँ है कि नहीं, छोटा व्यक्ति है, कर्मचारी है। आपके मन में अरे देखो मुझे जितना मिला उसको भी उतना, और ये क्यों नहीं सोचते, उसका प्रारब्ध है, कर्म है, इसलिए मिल रहा है ये, लेकिन सोच नहीं होती है। तो मुझे जितना मिला उसको भी उतना मिला, दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, खा रहे हो सुख तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है वर्तमान में वो दुख भी हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे ताप दुख बोलेंगे। ठीक है, कितना दुख है, दो है, परिणाम दुख और क्या है, और एक होता है खतरनाक संस्कार दुख। सबसे खतरनाक क्या है, संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है, संस्कार दुख ये है भाई, जिस विषय से आपको पहले सुख हुआ है, जिस विषय से आपको सुख हुआ है उसका संस्कार पड़ा है, हैं? जैसे मान लीजिए पत्नी है, पत्नी बहुत आज्ञाकारी थी, बहुत सेवा कर रही थी, बहुत प्रेम कर रही थी, ठीक है, और किसी कारण से उसका वियोग हो गया, क्या हो गया, उसका वियोग हो गया, राम नाम सत्य हो गया, है ना, उसका जो स्मरण होगा पति को, क्या होगा, पति को स्मरण होगा तो आंसू आ जाएगा, कितना दुख होगा। तो दुख क्यों हुआ बोलो, संस्कार है ना, जिस विषय का संस्कार हुआ है, जिस विषय से आपको सुख पहले हुआ है, और सुख क्या करेगा, संस्कार डालेगा आपके चित्त में, उस संस्कार से बाद में स्मरण होगा तो बड़ा कष्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये तो केवल दृष्टांत दिया, सारे संसार में ऐसे ही समझ लो, समझ में आया, ठीक है ना, इसलिए देखा जो सारा संसार क्या है, सर्वम दुखम, लेकिन कौन ऐसा समझेगा, विवेकी, विवेकी को सारा संसार दुख दिखाई देता है, इसलिए उनको वैराग्य हो जाता है, क्या हो जाता है, वैराग्य, समझ में आ कि नहीं, ठीक है ना, इसलिए जिसके चित्त में वैराग्य होगा है दुख दर्शन से, लेकिन उसी के चित्त में दुख दर्शन होगा उसके आगे वैराग्य होगा, जो व्यक्ति ऐसा कर्म किया हो, तो कैसा कर्म किया हो, देखो अशुक्ल कृष्ण, ये योगी का चित्त कैसा होता है, हैं जो है अक्षिपात्र कल्प, ये सारा संसार में उसको तुरंत दुख दिखा, सुख नहीं दिखाई देगा, सर्वत्र क्या दिखाई देगा, दुख ही दिखाई देगा, दुख दिखाई दिया तो झट उनके बुद्धि में होगा, अरे भाई इस संसार का तो स्वभाव ही ऐसा है, दुख ही होगा, क्या होगा, दुख, समझ में आया, इसलिए सारा संसार को, मन का विषय मन का विषय ये होगा कि जो है स्मरण होगा, है ना, मन का मनोराज्य होगा, है ना, मन का विषय मनोराज्य हो, नया के अनुसार हमने बोल दिया, अथवा सुखा हो जाएगा, सुखा होगा मन का विषय, सुख दुख इच्छा राग द्वेष ये सब मन के विषय होंगे, मन के विषय हो जाएंगे, है ना, ऐसा है, वो भी दुख हो, इच्छा होगी तो दुख होगा कि नहीं होगा, मन तो मुख्य ही, हाँ मन तो मुख्य ही है, चलो हैं ये समझ लो भैया, इसलिए बोलते हैं कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिना, जो मुमुक्षु है वो पहले कौन सा कर्म किया है, अशुक्ल कृष्णम कर्म, आ त्रिविधा मित्रेशम, जो योगी नहीं है, जो मुमुक्षु नहीं है, हैं वो तो तीनों में से कोई एक करेगा बस, हैं वो स्वर्ग आदि के लिए पुण्य कर्म करेगा, नहीं तो मिला जुला पुण्य कर्म करेगा शुक्ल कृष्ण, नहीं तो अशास्त्रीय करेगा तो केवल पाप ही पाप होगा बस, इतरी शाम ये वहाँ वो महर्षि पतंजलि ने कहा, देखो सुनो, ये एक पाद है ना समाधि पाद, क्या है ये, नहीं हाँ उसमें आया, हाँ समझ सिद्धि है ना, सिद्धि वहाँ पर विभूतिपाद, क्या है विभूतिपाद,
विभूति में पाद में सब बता दिया महर्षि पतंजलि। देखो ये करोगे तो आकाश में उड़ोगे, ये करोगे सूर्य तक पहुँचोगे, अणिमा की सिद्धि, गरिमा की सिद्धि, ये सब बता दिया। हाँ, अष्ट सिद्धि, नव सिद्धि सब बता दिया, ठीक है ना। लेकिन ये बोलते कि तुम्हारे लिए नहीं बता रहे, महर्षि पतंजलि बोलते तुम्हारे लिए नहीं बता रहे, जो संसार में सुख देखता है कि नहीं, संसार में जो सिद्ध बनना चाहता है, मतलब जो मुमुक्षु नहीं है उन्हीं के लिए सिद्धि है, तुम्हारे लिए सिद्धि ये प्रतिबंधक। पहले देखो, पहले सिद्धि बता दिया, ये करोगे तो ये सिद्धि, ये करोगे तो ये सिद्धि, अंत में बता दिया ये मोक्ष के लिए प्रतिबंधक है। ऐसा में ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर ये तीन जो है ये मुमुक्षु के लिए है, नहीं है, और ये जो अशुक्ल कृष्ण है ये किसके लिए, जोगिना मुमुक्षु के लिए होता है। हो गया भैया, चलो। यस अशक्तित अभ्यास संस्कार, इसका अर्थ देखो, पुनः पुनः समाधि अभ्यास न जनित भावना के संस्कार विशेष, बार बार पहले समाधि का अभ्यास किया है भाई, उस अभ्यास से होने वाला जो भावना नामक संस्कार है ना, संस्कार, वो संस्कार चित्त में रहेगा, वो संस्कार चित्त में रहेगा, जितना अभ्यास करोगे उतना संस्कार होगा, इसलिए बार बार स्वयं जो है श्रवण आदि करते रहो करते रहो। इसलिए आवृत्तिर असकृत उपदेशात, भगवान व्यास लिखते हैं, बार बार आवृत्ति करो, श्रवण मनन आदि की आवृत्ति करो, जितने आवृत्ति करेंगे आपके चित्त में संस्कार होगा, वही संस्कार ही अंतिम में अंतकाल में काम में आएगा, वही संसार काम में आने वाला नहीं, ध्यान में रखो। हैं, और अपना शरीर जब काम में नहीं आता अंत में, ये सगी संबंधी क्या काम में आएंगे, बोलो, कोई संसार, संसार के पदार्थ अंतिम में काम में आने वाला नहीं, बस एक ही आपका जो संस्कार है, भजन से होने वाला, श्रवण आदि के अभ्यास से होने वाला जो संस्कार है ना, वो संस्कार ही काम करता है, कोई काम करता नहीं अंतिम। अरे मन में कोई शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप, नहीं संस्कार काम करेगा, संस्कार ये कह रहे संस्कार, पुनः पुनः समाधि अभ्यास न जनित भावना के संस्कार विशेष, ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम सह, सहकारी कारण कौन हो गए भाई, संस्कार और अदृष्ट है पुण्य, अशुक्ल कृष्ण नामक पुण्य, केवल मोक्ष के लिए किया गया जो पुण्य, वो पुण्य सहकारी कारण है, उसी से समाधि अवस्था में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, इसलिए कोई आपत्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य।